तो प्रकाश नहीं जाएगा तो धुंधला दिखेगा और ऊपर वाला भाग साफ दिखेगा। इसी को कहते हैं चांद में भी दाग है। अरे ससुरा गाढ़ा है, आप थोड़ा भी केयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको बस फील हो रहा है कि बहुत केयर करता है। वाह कितना मानता है, बाप रे बाप, पहलका से अच्छा है। हाँ कुछ चेंज हो, मान के चलो नेल पॉलिश चेंज हो गया, तुरंत हल्ला, वाह वाह वाह। अभी बताइए गढ़ा में रोशनी जा पाएगा तो सूर्य का प्रकाश ऊपरे ना जाएगा। अब आप एगो खूब बड़का गढ़ा खोद दीजिए, आपके ही घर में जो टंकी होता है या ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें रोशनी जा पाता है? नहीं जा पाता है। तो पृथ्वी चंद्रमा पे बहुत बड़ा बड़ा गढ़ा है, उसमें प्रकाश जा पाएगा? तो प्रकाश नहीं जाएगा तो धुंधला दिखेगा और ऊपर वाला भाग साफ दिखेगा। तो इसी को कहते हैं चांद में भी दाग है। अरे ससुरा गढ़ा है, चांद में कहां से दाग हो जाएगा, वो तो जमीन है, समझ में आ गया कि नहीं? चांद में क्या है, गढ़ा है, समझे गढ़ा लोग, अगढ़ही लोग, चांद में दाग है, हाँ चांद में क्या है, गढ़ा है। अब बताओ लड़की लोग, कोई कहे कि चांद सा मुखड़ा, समझ रहे हो? उस ससुरा को कोई ज्योग्राफी का आइडिया नहीं, एस्ट्रोनॉमी नहीं पता है। आप उसी को कहिए कि चांद सा मुखड़ा, जिसको बहुत पिंपल्स निकला हो, एकदम कटहल जैसा मुंह हो गया, एकदम नहीं देखे पिंपल्स टाइप का कुछ कुछ निकल जाता है, कुछ कुछ बहुत कटहल टाइप का हो जाता है। हम लोग इंटर में पढ़ते थे तो हमारा एक दोस्त एक क्रीम बताया था कि लगा लो गोर हो जाओगे। तो हमारा तो चार साल फेयर एंड लवली लगाए थे, करिया का करिए रह गए, हाँ चार साल, और पांच रुपया का एक ठो आता था हम लोग के समय पाउच ऐसे। इस ये खाली झूठ बोलता है, हमको ऐसे काला का। तो एक मेरा दोस्त बोला कि लगा लो इसको, लगा लिए हम लोग, और लगाने के एक हफ्ता बाद मेरा मुंह कटहल जैसा हो गया था, ऐसा कांटा कांटा की तरह निकला था ना कि मुंह धुलते थे तो दर्द करता था, दस बारह दिन तो मुंह भी नहीं धोए, ऐसे ही तनी आँखों को मार लिया आदमी, ऐसे कीचड़ उचड़ फेंक दिया, ऐसे ही चला 10-15, पूरा कटहल टाइप का हो गया था। उसके बाद से क्रीम पे से तो विश्वास ही उठ गया मेरा। उसके बाद से कभी, हालांकि हर लड़का सब में जब दाढ़ी आने वाला होता है ना, तो ये सारे लड़कों में एक फेज आता है इंटर वाला, बहुत सारे लड़कों में जब दाढ़ी आने की स्टार्टिंग रहेगी ना तो पिंपल्स टाइप का क्या हो जाने लगता है, आने लगता है वहाँ। तो जिसके मुंह पे खूब थबड़ा पे पिंपल्स हो, गढ़ा गुढ़ई एकदम भचकल टचकल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उसी को कहिए चांद सा मुखड़ा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर कोई लड़का किसी को कह दिया कि चांद सा मुखड़ा है, और लड़की अगर हमारे बैच की है, हाँ लेकिन कितनों पढ़ लेगी लड़की, उसको तारीफ सुनने में बहुत मजा आता है, समझ में आ गया। आप लोग का शादी ब्याह होगा तो खुश रहने का एक ही तरीका है, तारीफ में कमी नहीं कीजिए, समझ में। आप केयर करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसे फील होना चाहिए कि आप केयर कर रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं। आप बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, लेकिन अगर उसे फील नहीं हो रहा है तो आपसे झगड़ा करने लगेगी। आप थोड़ा भी केयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको बस फील हो रहा है कि बहुत केयर करता है, वाह कितना मानता है, बाप रे बाप, पहलका से अच्छा है। समझ में आ गया कि नहीं, पूरा एकदम, जब वो तनी टाइम मिले, हाँ जैसे मान के उल्का पिंड पढ़ रहे हैं, टाइम मिला, खाना खा ली, अच्छा ठीक ठीक आप काम कर रहे हैं, ठीक, कितना केयर करता है, समझ। उसको लगना बहुत जरूरी है केयर, और तारीफ का होना बहुत जरूरी है, ये सब चीज का ध्यान रखना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? जहां कुछ चेंज हो, मान के चलो नेल पॉलिश चेंज हो गया, तुरंत हल्ला, वाह वाह वाह, एकदम तुरंत, एकदम एकदम वाह, एकदम समझ आ गया, तुरंत, मतलब इतना ज्यादा मत कर देना, मतलब नॉर्मल एकदम, ओवर एक्टिंग नहीं, देखो कह रही है कि पकड़ा जाएगा सत्ता में से, मतलब एक सबकी मेंटेलिटी एक जैसे, उसको तारीफ बहुत पसंद। अच्छा काहे नहीं पसंद है, इतना मेहनत से ओको ससुरा रंग, समझ में आ गया कि नहीं? तो कहते ना मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया अनहर है। किसी को दिक्कत, उल्का पिंड में कोई दिक्कत?